और फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं आगे। गोवर्धन पूजा प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। सालों से चली आ रही परंपरा उत्साह से मनाई जा रही है। पूरे रीति रिवाज के साथ गोवर्धन पूजा की गई। कोटा में गोवर्धन पूजा विशेष तौर पर शाम के समय होती है। कुछ लोग सुबह भी गोवर्धन की पूजा करते हैं। कोटा में गाय के गोबर के गोवर्धन बनाने के साथ विशेष भोग भी गोवर्धन महाराज को लगाए गए। मान्यता है कि श्री कृष्ण ने व्रजवासियों को इंद्रदेव की पूजा करने के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए कहा था और इसके बाद ये परंपरा चल रही है, जिसको हर जगह पर देखने को मिलता है। गांव में हालांकि इसको लेकर के उत्साह बहुत बड़े स्तर पर होता है। देख सकते हैं आप कि अलग अलग तरह के जो व्यंजन हैं जो घर में बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं और उनका भोग गोवर्धन महाराज को लगता है। आज के दिन अन्नकूट का भी जो आयोजन है वो होता है। विशेष अन्नकूट का जो भोग है वो गोवर्धन जी को लगाया जाता है। आपसे जानना चाहेंगे इसके लिए क्या मान्यता है, आप मान्यता क्या है, क्यों गोवर्धन पूजा करते हैं? आप बताएं क्यों करते हैं गोवर्धन पूजा? गोवर्धन की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि आज के दिन श्री कृष्ण भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा की थी। ब्रजवासियों के ऊपर इंद्र राजा ने कोप किया था और कृष्ण भगवान ने उनकी रक्षा की थी। गोवर्धन पर्वत को उंगली पे उठा लिया था। कृष्ण भगवान ने जो है ब्रजवासियों की रक्षा की थी इंद्र के कोप से और उसके बाद से ये परंपरा चल रही है। आप क्या मानते हैं? दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है और इस दिन ये पूजा अपने घर की सुख समृद्धि के लिए की जाती है। तो ये खास मान्यता है और इस तरह के खास गीतों के साथ में भगवान गोवर्धन महाराज को प्रसन्न किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उन अलग अलग तरह के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है और माना जाता है कि दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का एक अलग ही विधान है, एक अलग ही महत्व है जो गाँव से लेकर के शहर तक